नमस्कार, आप देख रहे हैं यान न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी पाठक। शारदीय नवरात्रि को आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। देवी के आगमन के लिए हर घर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। 17 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन है। देवी द्वारा महिषासुर के वध पर नवरात्रि को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। भारत के विभिन्न भागों में इसे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। बहुत से हिस्सों में लोग 7 दिनों तक व्रत रखते हैं और नवरात्रि के आखिरी दिन व्रत तोड़ते हैं। इस उत्सव के उपलक्ष्य में गरबा नृत्य उत्सव आयोजित किए जाते हैं। लोग अपने दोस्तों और परिवारों के साथ गरबा खेलने जाते हैं। कब है 2020 की नवरात्रि? इस साल 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक नवरात्रि मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रि अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपद तिथि से शुरू होगा। यह तिथि इस साल 17 अक्टूबर को है। पहले दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:30 से 10:30 बजे तक का है। क्या है नवरात्रि का इतिहास? नवरात्रि की कथा में महिषासुर नामक राक्षस को देवी दुर्गा ने पराजित किया था। ऐसा कहा जाता है कि महिषासुर को ब्रह्मदेव से अमरता का वरदान प्राप्त था। इस अमरत्व की शर्त यही थी कि महिषासुर को सिर्फ कोई स्त्री ही पराजित कर सकती है। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि माँ दुर्गा की पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन शारदीय होता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है और वो अपने भक्तों को सुख और ज्ञान प्रदान करती है। माँ दुर्गा की पूजा करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। तो आप भी सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा कीजिए। और हाँ, ईआन टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको हर अपडेट मिले सबसे पहले।